Hey, hi, welcome back to the Yellow Tail. This is my third day in Dubai, but before we start, do watch my previous video and please don't forget to subscribe. We started our day with tummy full of breakfast, फिर हमने कैब बुक की और हम निकल पड़े. रास्ते में हल्की सी बरसात भी हो गई. तो आज हम सबसे पहले जा रहे हैं मिरेकल गार्डन एंड दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल फ्लावर गार्डन. ये इतना बड़ा है कि इट कैन टेक अप टू 3 to 4 hours टू एक्सप्लोर. दिस प्लेस इज नो लेस देन अ फेरी टेल. आपको सच में यहाँ घूमने में बहुत मजा आने वाला है. काफी देर घूमने के बाद में हमें लग गई थी भूख. हमने ऑर्डर किए टर्किश डिश एंड डेजर्ट. द फूड वॉज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ डोसा एंड पिज्जा. डेजर्ट में इट वॉज लाइक सेवई का लेयर विद चीज इनसाइड एंड शुगर सिरप. ये कुछ खास नहीं था. After taking bit rest on this comforting swing, we went to Butterfly Garden. ये Miracle Garden के पास में ही है. This is world's largest covered butterfly garden. ये 10 dome shape में बना हुआ garden है. यहाँ पे approximately 16,000 butterflies है. They roam around you. You have to be very careful while walking here. Otherwise, you may smash one of them. आप इन्हें हाथों में ले सकते हो. It's another good feeling. Next, we took a cab for Global Village. This is the last destination of the day because you need at least 4 to 5 hours to explore this place. This place is like another world. You can already see how pretty it is even from outside. Here we got inside and I am amazed to see this place. You get such a toy vehicle for kids on hire basis. ये बहुत बड़ा है. यहाँ बहुत चलना पड़ता है. But it's a must visit place. आप यहाँ पे बहुत सारी shopping कर सकते हो. यहाँ पर हर एक country का अपना एक section है जहाँ पे आपको उस country की चीज़ें मिलेंगी. यह मेन स्टेज एरिया जहाँ पर शोज होते हैं. यू कैन सिट एंड एंजॉय इफ यू लव टू. यहाँ पे बहुत सारी फन एक्टिविटीज भी है बट इसके लिए आपको अलग से वो चार्ज करते हैं. बट इट वॉज क्वाइट फन. सो वेन यू आर विजिटिंग दिस प्लेस कीप गुड टाइम इन योर हैंड. आज का लास्ट डेस्टिनेशन. इट वॉज ऑलरेडी 11 सो वी आर गोइंग बैक टू होटल. दिस इज माई डे 4 इन दुबई. ये है दुबई का म्यूजियम ऑफ फ्यूचर विच वी मिस विजिटिंग बिकॉज इसके टिकट्स के लिए 1 month prior booking क्लोज हो गई थी.
तो आज हम जा रहे हैं अटलांटिस दुबई। तो सबसे पहले ली हमने मेट्रो, वी गॉट डाउन एट शोभा रियलिटी, फिर हमने ली ट्रैम। ये इंटरनली कनेक्टेड है, बस आपको डायरेक्शन फॉलो करने हैं। ट्रैम से उतर कर हम चल पड़े मोनो रेल के लिए। थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है, बट अगेन इट्स कनेक्टेड इंटरनली, यू जस्ट हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड यू आर देयर। सो हियर वी आर इन मोनो रेल एंड ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा है। अटलांटिस इसका लास्ट स्टॉप है, आपको ट्रेन के अंदर से ही ये इतना अच्छा व्यू मिल जाता है। आई थिंक इस व्यू के लिए मोनो रेल का ट्रैवल तो बनता है। स्टेशन से बाहर निकलकर हम पहुंच गए अटलांटिस। ये वॉकेबल डिस्टेंस पर ही है, यहाँ वैसे तो करने के लिए बहुत कुछ है, पर हम आए हैं लॉस्ट चैम्बर्स एक्सप्लोर करने के लिए। बिफोर एंटरिंग द लॉस्ट चैम्बर्स हमने थोड़ा सा घूम लिया, पेट पूजा कर ली। फाइनली हम आ गए लॉस्ट चैम्बर्स, इसकी भी बुकिंग हमने हेड आउट से ही की थी। सो दिस इज दैट फेमस एक्वेरियम जो आपने सुना होगा, देखा होगा सोशल मीडिया पे। सो लेट्स गेट इनसाइड एंड सी व्हाट इट इज। लॉस्ट चैम्बर्स के बाद हम जा रहे हैं डाउक्रोस डिनर के लिए। अभी हम कैब का वेट कर रहे हैं, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, हमारी कैब को पीछे वाली कैब ने थोड़ा सा धक्का दे दिया, तो हमारे भैया ने कैब रोक दी और उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कुछ चलान वलान का चक्कर है तो ये कैब आगे नहीं जाएगी, आप प्लीज़ कुछ और मैनेज कर ले। हमें थोड़ा सा गुस्सा आया, बट उस वक्त आई थिंक हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो वैसे भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने हमें ऐसी जगह पर छोड़ा जहाँ पर क्रॉसिंग नहीं थी। बट सम हाउ वी मैनेज टू क्रॉस दैट लेन, हमारे साथ में हमारा 2 साल का बेबी भी था। एंड लकीली क्रॉस करके हम जहाँ पहुँचे वहाँ पे एक शॉपिंग मॉल था, तो वहाँ पे कैब्स अवेलेबल थी और हमें कैब मिल गई। तो हमें थोड़ा देर हो गया, बट फाइनली हम पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना था। ऑल्दो दिस वॉज अनदर डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि ये डाउक्रोस ज़्यादा कुछ खास नहीं होते हैं, जैसा सोचा था वैसा तो थोड़ा सा भी नहीं था। ये खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा था यहाँ का, ये बस एक बड़ी सी बोट होती है और दिस इज़ लाइक अ बोट रेस्टोरेंट, और कुछ खास नहीं होते हैं ये। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर अच्छा नहीं रहा एक्सेप्ट दिस शो। This was it for this video. Hope you liked it. आगे के videos के लिए please 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 channel को subscribe जरूर करें. Do let me know आपको कौन सा part अच्छा लगा. And bye bye. See you in my next video.